उनका चश्मा दूसरा है, उनका विरोध का चश्मा है। उन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने समय में क्या किया, वो पुल एमएलए प्रायोरिटी के पुल है, उनके ऊपर उन्होंने अपनी ठप्पा लगा दिया। कोई सरकार कांग्रेस की थी, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो बंदा पंच नहीं रहा वो व्यक्ति कैसे कोई काम कर सकता है? उसने जो विधायक होता है, चाहे वो ओपोजिशन का हो चाहे वो सत्ता, वो एमएलए प्रायोरिटी वही डालता है। जो एमएलए प्रायोरिटी की सड़क थी मेरी, उसके ऊपर जाके ठप्पे अपने प्लेट लगा दी। चुनाव में हम लोग जो है, जो 5 साल में हमने काम किया, जैसे पहले जो जो काम किए हैं उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहाँ डेंसिटी ऑफ रोड्स, सड़कों का घनत्व सबसे कम अगर कहीं था तो शाहपुर में था। शाहपुर में जितने लोगों ने आज दिन तक राजनीति की, किसी ने सड़कों के विकास की ओर ध्यान दिया ही नहीं। आज जो भी सड़क शाहपुर में बनी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का ठप्पा लगा है। हर सड़क, हर पुल मैंने जो है उसको जो पिछले कई वर्षों से सींचा है, और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जो सड़क से वंचित हो। हाँ, एक गांव मनो की तरज पे जो पाइपलाइन में है, जो मेरी एमएलए प्रायोरिटी के बीच में है, जिस पे हम लोगों ने जो है एमएलए प्रायोरिटी के साथ साथ जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भेजा है, बाकी सभी गांव सड़क के साथ जुड़े हैं। तो मनो भी एक एक टीका है, बाकी बोरू सारना गाँव जो है वो भी जुड़ा हुआ है सड़क के साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ सड़क पहुँच जाती है वहाँ विकास पहुँचता है, वहाँ डॉक्टर भी आएगा, इंजीनियर भी आएगा, शिक्षक भी वहाँ चला जाएगा। तो विकास भी जो है उसकी लहर जो है तेज होती है सड़क की रफ्तार के साथ साथ। आज शाहपुर में बहुत सुखद अनुभव है कि हर जगह सड़कों और पुलों का जाल बिछ है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर इस टनोर में जो मिनी सेक्रेटेरिएट का भवन बनवाया, लोग कहते हैं कि हम सुनते थे सचिवालय होता है, शिमला में सचिवालय है, आज हमारे शाहपुर में मिनी सचिवालय देख के लोग खुश हो रहे हैं। सारी फैसिलिटीज, सारे ऑफिसेस एक छत के नीचे आ जाएंगे और इससे मॉडर्न रूप से जो शाहपुर डेवलप हुआ है, शाहपुर में नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया गया। पहले एक ग्रामीण क्षेत्र था शाहपुर, मेरे पास विभाग आया, मैंने कोशिश की, अर्बन डेवलपमेंट मेरे पास था, शाहपुर में एक शहरीकरण की ओर शाहपुर बढ़ा है और एक सुंदर कम्बिनेशन पंचायतों में, बहुत सारी पंचायतें हमने बनाई हैं, 10 पंचायतों के करीब हमने नई पंचायतें शाहपुर में बनाई। और मुझे लगता है ओवरऑल डेवलपमेंट में ग्रामीण और शाहपुर का कम्बिनेशन जो है, इसमें सुंदर सा बस स्टैंड बना है, एप्रोप्रिएट सेंटर बना है, शाहपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल कर दिया जो शाहपुर की जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सुंदर काम करेगा। तो आप बताएं कि मुझे तो लगता है कि गांव-गांव में हम लोगों ने जब काम किया है तो लोग अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से देंगे, ये मेरा बात है। चलो, उनका चश्मा दूसरा है, उनका विरोध का चश्मा है, उन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया, उन्होंने अपने समय में क्या किया, जो एमएलए प्रायोरिटी की सड़क थी मेरी उसके ऊपर जाके ठप्पे अपने प्लेट लगा दी। जो बंदा पंच नहीं रहा वो व्यक्ति कैसे कोई काम कर सकता है? उसने जो विधायक होता है, चाहे वो ओपोजिशन का हो चाहे वो सत्ता, वो एमएलए प्रायोरिटी वही डालता है। जो पुल शाहपुर के आसपास जो पुल बने हैं वो पुल एमएलए प्रायोरिटी के पुल है, उनके ऊपर उन्होंने अपनी ठप्पा लगा दिया। कोई सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन सब लोग जानते हैं ये काम विधायक ही कर सकता है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। जिस विधायक ने जो लिख के दे दिया एमएलए प्रायोरिटी, वही काम होते हैं, वही सड़कें बनती हैं, वही पुल बनते हैं। पिछले 15 सालों से मैं विधायक रही हूँ और मंत्री भी रही हूँ, इस कारण से लेकर लगातार एमएलए प्रायोरिटीज में भी मेरी प्राथमिकता गई और मेरी प्राथमिकताओं को ही नबार्ड में और पीएमजीएसवाई में पैसे मिले, जिससे शाहपुर का विकास हुआ है। और उनका चश्मा अपना चश्मा है, किसी के काम के ऊपर अगर प्लेट एक लगा दी तो उसे बड़े खुश होने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें जो होती है ना, ये पुराने कहानियाँ हैं। हमारा कोई भी बंदा 10 रुपये की आरटीआई ले और पता करे कि ये स्कीम में पैसा है कि नहीं है, ये शिलान्यास कैसा हुआ, उसको अपने आप पता लग जाएगा। ये तो हवा के अगर ओप होते हैं, ये तो चुनावी स्टंट होते हैं, कुछ भी कह दो, लेकिन जो शिलान्यास करता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता है, जो उद्घाटन करता है वो भी
काम पूरा होता है तो उद्घाटन होता है, अधूरे काम का उद्घाटन थोड़ा होता है। तो ये अब तो बिल्कुल निराधार और रोग है। श्यामपुर में मेरे को सातवीं बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है। मैं तो अपने आला कमांड का बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपने सीनियर नेताओं का, अपने मुख्यमंत्री का, सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस टिकट देकर मेरे पे विश्वास व्यक्त किया, श्यामपुर की जनता पे विश्वास व्यक्त किया। क्योंकि कई तरह के सर्वे, कई तरह श्यामपुर के वोटरों का आशीर्वाद, अब तो चुनाव है, चुनाव में कमल के फूल के ऊपर अपना मोहर, अपना वोट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब सत्ता होती है तो विकास के काम सुनिश्चित हो जाते हैं। तो मेरा तो आग्रह श्यामपुर के लोगों के साथ है कि अपना आशीर्वाद जो है वो कमल के फूल के ऊपर देके सरवीन चौधरी को विजय बनाना ये मेरा कर। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।